आई हो This is Chiran Pahari, you know? Foot sprint and very big size. কাদার মধ্যে পা রাখলে কত বড় হয়? अरे उनका पाँव में तो ये तो बावले चीज और पता कौन मिला है वो नहीं कोई भी नहीं मिला है देखो देखो ये चरण है भगवान के अच्छा बेसी तरल भगवान जब बंसी बजाई इसमें पहाड़ी के लिए ही ना जब घोटू घोटू के दर्शन भगवान को पाँव में हम শঙ্কর কে আও পূজারী পিছনে পিছনে আসুন মাধব ভক্তি জানি যতন পালন করি মাধব দিদি ভক্তি জানি যতন পালন করি কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি নন্দগাঁও নিকটে আছে নন্দগাঁও থেকে গোচারণ করতে করতে নন্দগাঁও সে গোচারণ করতে 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 কৃষ্ণজি সমস্ত সখাও কে আর এসি পঞ্চম তান ছেড়ি মধুর মুরলি কা তান এসে পঞ্চম স্বর সে ছোড়ি পঞ্চম স্বর মানে কে কৃষ্ণ কা পঞ্চম স্বর তক হ্যাঁ और गोपियों का क्या है सप्तम सप्तम पंचम स्वर से कृष्ण ने छोड़ा और ऐसे मूर्छना ताल से छोड़ा मूर्छना राग मूर्छना माने क्या होता है ऊपर में चढ़ते चढ़ते और नीचे से धीरे 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 कांपता हुआ स्वर में क्या एकदम पत्थर उसमें पिघल गए पाथर पर्यंत पिघले गए और जो जो यहाँ पर था उन सबका चरण चिन्ह सुने 5,000 वर्ष के से भी और पुराने ग्रंथ हैं गर्ग संहिता इत्यादि है व्यास देव का रचित बड़ा पुराण इत्यादि है जिसमें से हमारे रूप गोस्वामी जी ने और एक और थे उन्हीं के समसामयिक ब्रज भक्ति विलास उन्होंने लिखा है उसमें इन सब का सब जहाँ जहाँ ब्रज में जो जो चिन्ह है नारायण भट्ट ब्रज विलास लिखा उसमें जहाँ जहाँ जो जो चिन्ह और जो जो सरोवर कृष्ण के
इस स्मृति में जो जो कुछ मंदिर है जो कुछ समय में थे सब काम हमें पुंखानुपुंख रूप में वर्णन किया है। बोले जैसे यहाँ पर हरणिका कैसे आया, कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो हिरण इत्यादि से जो जो पशु पक्षी ये मरुभूमि के बीच में लिए हुए, इसलिए ऊंट भी यहाँ पर होते थे। अभी भी चारों तरफ में देखता है ना, कोसी में इधर में मथुरा में चारों तरफ में ऊंट की गाड़ियां हैं। यहाँ से पासी में और थोड़ा सा इधर में चले जाएंगे और एकदम महाराज जी थोड़े ऊंट रहे ने, पहले बहुत ही ऊंट, हाथियां भी थी, बड़े बड़े राजा राजवाड़ों के हाथियां भी थी। जंगल ये साधारण जंगल नहीं, बड़ा घना घोर जंगल होगा। जो पहले महात्मा घोड़ा रखते हैं, तो ये घना घोर जंगल इसमें आना सच बात नहीं। अभी देखिए ना, इस समय में भी इतना रास्ता घाट सब होने पर भी इतना आना कष्ट, शहर के लोगों को पता नहीं है ये देहातों में चलने में कैसा कष्ट होता है। रामचंद्र जी को बन जाने में कितना कष्ट हुआ होगा, कोई रास्ता घाट उस समय था, कृष्ण को चारण करने के लिए जाते थे तो गैया कोई अच्छा मार्ग देख करके लोगों से पूछ करके चलती थी, कांटे कुछे बड़े बड़े पत्थर जंगल झाड़ ऐसा। अब ये तो बहुत अब तो बहुत कुछ पट गया है मैंने क्या, मट्टी टट्टी सब चारों तरफ से होकर के सुगम रास्ता सब बन गया है। पहले इतना सुगम ब्रज में रास्ता घूमना नहीं था। हम लोग गुरु जी के साथ में आज से 45 वर्ष पहले बद्रीनाथ केदार में गए थे, उसमें कोई रास्ता नहीं था, कोई बस नहीं जाती थी, प्राण आदमी हथेली पर लेकर के चलता था, प्राण हाथे ऊपर नहीं चलते थे। पत्थर वहाँ से गिर रहा है, बालू कहीं बालू जैसा, यदि चले जाएंगे 4-5 माइल 6 माइल नीचे चले जाएंगे एकदम एकबारे नीचे, माझे माझे एखने से बास गुली एक चक्का यदि एदिगे चले जाए सब लोग कुथाए जी चले जाए, आर तार दर लाश पावा जाए, उनकी लाशें नहीं मिलती है अभी भी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। ए रकम होते ये सब दुर्गम पथ काल में कृष्णचंद्र यही सब लीला करे, कृष्ण के पावा सहज न पथघाट हमारा ना है सरल सहज कर दीब, मन पथ तो हमारा की रकम होते कर दीब बड़खा बड़ जी मन मन टा की रकम करा जाए, मन पथ टा ठीक कर दीते पार विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन ওখানেতে রাস্তা কন্টা কাকিরণ মনের কি রকম বিষয়ের চিন্তা কত রকমের চিন্তা সবগুলি নিজে প্রতিষ্ঠার সব চিন্তা ও থেকে আরো আমাদের ভোগের লালসা সুখের লালসা কামনা এই সবগুলি ভর্তি রয়েছে ওর ওইগুলিকে পার পাওয়ার সহজ নয় এইগুলিকে আমরা পার করে যাব ওইগুলি পার করা সহজ এই জন্য এই সবগুলি খুব কষ্টকর কিরণ তথাপি বৈষ্ণবরা সব নিয়ে আসে আপনাদেরকে নিয়ে এসে মনে মনে একটু কষ্ট হচ্ছে যে কেউ কেউ পায়ে চলে না রে বেটি রা সব ওদের হাতে চলে না সে তারা হেঁটে চলে না আর তাদেরকে কত কষ্ট করে কেউ পড়ছে কেউ গিরছে কেউ তা কৃষ্ণ আপনাকে উপর মে কৃপা করেন রাধা জি আপনাকে এ সব দে করকে কহেন ইস পর কৃপা করনি চাই। ऐसा नहीं होने से हम लोगों को हृदय में दीनता नहीं आती। यदि कृष्ण किसी पर कृपा करते हैं उसे विपत्ति में फेंक देंगे, कष्ट में लगा देंगे और हृदय से हा निकालेंगे और हा निकाल सुनते ही बस कृष्ण दुख की दौड़े, विपत्ति में गिरा देंगे और ऐसा करेंगे जिस और कोई हमारा सहारा नहीं है उस समय में, बस आंख बंद करके उन्हीं के चरण में जब चले जाए। इसलिए ऐसे ऐसे दुर्गम स्थलों में उन्होंने सब लीलाएं की। पासी में हम लोगों ने देखा वहीं पर एक सरोवर है, उसको पार करके हम लोग आए हैं, उसको कहते हैं खीर सागर। उसमें यहाँ का पानी बड़ा सुंदर और खीर के समान था, अब वो धीरे धीरे एकदम नमक बन गया। ये कलिकाल है नमक बन गया, इसमें शेषाई विष्णु थे, पासी में शेषाई है। गोपियों ने कहा जैसे आप भगवान है तो शेषाई का रूप दिखलाइए,
बस सती साथ में सुबल श्री राम को बना लिया शेषनाग कि बलदेव प्रभु जी बन गए शेषनाग और उस पर कृष्ण जी सो गए। इस तरह से वो शेष साई का भी दर्शन ये पास ही में यहाँ से 5-7 मिनट यहाँ पर